दोस्तों, क्या आपको सुपर पावर्स वाले इंसान पसंद है? क्या आपने इस सुपर पावर्स वाले इंसान को रियल लाइफ में देखा है? अक्सर आपने हॉलीवुड बॉलीवुड की फिल्मों में ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके पास सुपर नेचुरल पावर होती है। ऐसे लोगों को सुपर हीरो भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कई सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास ऐसी शक्तियाँ मौजूद हैं जिन्हें एक्सप्लेन कर पाना विज्ञान के बस से भी बाहर है? ऐसे लोगों को साइंस की भाषा में मेटा ह्यूमन या फिर म्यूटेंट कहा जाता है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ मेटा ह्यूमन के बारे में बताने जा रहे हैं, तो बिल्कुल बने रहिए इस वीडियो में पूरे अंत तक और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो और बाजू में दिए घंटी को दबाकर ऑल सिलेक्ट कर लेना, और हाँ, वीडियो के नीचे दिए गए लाइक बटन को जरूर प्रेस कर लेना। नंबर वन टॉर्चर किंग, टीम क्रेडलैंड। दोस्तों, अभी आप जिन्हें स्क्रीन पर देख रहे हैं वो टीम क्रेडलैंड है, और ये मुख्यतः अमेरिका के हैं। और इनकी खासियत यह है कि इनको दर्द नहीं होता। इनके ऊपर दुनिया के कई वैज्ञानिकों ने स्टडी की है, लेकिन किसी को इसके पीछे की वजह समझ नहीं आई। टीम क्रेडलैंड अपने इस सुपर पावर को शोज में भी दिखाते हैं। नंबर टू, मैग्नेट मैन लियो थाउलिन। दोस्तों, अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो मैग्नेट मैन लियो थाउलिन है। लियो थाउलिन को दुनिया में अपनी अद्भुत ताकत के लिए मशहूर माना जाता है। डॉक्टर के मुताबिक लियो के स्किन से ऐसी तरंगें निकलती है जो कि सभी मेटल को अपने तरफ आकर्षित करती है। लियो लोगों के सामने इसका खूब प्रदर्शन भी करते हैं। लियो ने अपनी इस ताकत के इस्तेमाल से एक गाड़ी को भी खींचकर दिखाया था। नंबर थ्री, शाओलिन मोंक। दोस्तों, अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो शाओलिन मोंक है, और शाओलिन मोंक के शरीर पर लोहे की रॉड और ड्रिल मशीन भी किसी काम की नहीं है। उन्होंने कई बार ड्रिल मशीन चलाकर अपने सिर में छेद करने की कोशिश की, लेकिन उनके लोहे से बने इस शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इनकी यही ताकत उन्हें बेहद अलग बनाती है। इन्होंने अभ्यास करके अपने शरीर को इस कदर तक दर्द सहन करने के लिए मोहताज बनाया कि आज लोहे की कोई भी चीज़ उनके शरीर के पार नहीं जा सकती। तो इसलिए अभ्यास जारी रखिए, क्योंकि अभ्यास करने से ही आप महारथी बनते हैं। स्टील टीथ मैन एंड रामकृष्ण वेलू। दोस्तों, अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो स्टील टीथ मैन रामकृष्ण वेलू है, और मलेशिया के रामकृष्ण वेलू को लोग उनके दांतों की मजबूती के लिए जानते हैं। उन्होंने दांतों के जरिए करीब 200 टन का वजन खींचकर दिखाया हुआ है। वो 14 साल की उम्र में ही ऐसे स्टंट करते रहे हैं, और उन्होंने एक ट्रेन को भी दांतों के जरिए खींचकर दिखाया था। डॉक्टर के मुताबिक उनके दांत अभी भी पहले जैसे ही स्वस्थ है। नंबर पाँच, सुपर रेडर एन जोन्स। दोस्तों, अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सुपर रेडर एन जोन्स है, और एन जोन्स को दुनिया उनकी सुपर रीडिंग स्किल की वजह से पहचानती है। जोन्स एक मिनट में करीब 4,700 शब्द पढ़ सकती है, और रीडिंग में पिछले 6 साल से वर्ल्ड चैंपियन भी है। जोन्स में खास बात यह है कि वो सिर्फ इतनी तेज गति से पढ़ सकती है, बल्कि उन्हें पढ़े गए शब्दों में से करीब 67% याद भी रहते हैं। आपको बता दें कि सामान्य आदमी एक मिनट में 200 या 300 शब्द ही पढ़ सकता है। ये सुपर रीडर जोन्स दूसरे लोगों के लिए स्पीड रीडिंग क्लासेस भी चलाती है। नंबर छः, द मैन हु नेवर स्लीप्स, थायन। दोस्तों, आप अभी जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो द मैन हु नेवर स्लीप थाई यन है, और वियतनाम के ये 64 साल के थाई यन साल 1973 के बाद कभी नहीं सोए हैं, लेकिन इनके शरीर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। थाई पर भी दुनिया के वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, लेकिन कोई साफ साफ कारण नहीं जान सके। इसके बाद कई लोग इन्हें सुपर पावर ह्यूमन मान चुके हैं। नंबर सात, आई मैन क्लाउडियो पिंटो। दोस्तों, अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो आई मैन क्लाउडियो पिंटो है। क्लाउडियो पिंटो को लोग उनकी एक अजीब सी शक्ति के लिए जानते हैं। पिंटो अपनी दोनों आंखों को करीब 95% तक असामान्य तरीके से उनके सॉकेट से बाहर निकाल सकती है, और ये बाकी का 5% भी उनके आंख का वो हिस्सा है जिससे उनकी आंख शरीर से जुड़ी रहती है। नंबर आठ, स्टीफन विल्शायर। दोस्तों, अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो स्टीफन विल्शायर है, और हम अपने यादगार लम्हों को संजोने के लिए हमेशा ही कैमरे का इस्तेमाल करते हैं। कैमरे में फोटो खींचने के बाद हम यह सोचते हैं कि हमारी यादें अब सिक्योर है, लेकिन स्टीफन विल्शायर एक ऐसे व्यक्ति है जिनका दिमाग किसी कैमरे से कम नहीं है। यह अगर कोई भी एक चीज बार देख ले तो उन्हें भूलते नहीं है। इनका दिमाग और आंखें कैमरे को भी पीछे छोड़ देती है। अगर यह शख्स कोई भी तस्वीर को एक बार देख ले तो उसे पेंटिंग के जरिए आंखों के सामने उतार देता है। इनकी पेंटिंग और याददाश्त इनकी दो अहम ताकत है। क्या आप में भी किसी तरह की कोई ताकत है तो कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आज का वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको स्क्रीन पे जो दो वीडियो दिख रहे हैं उनको भी आप वॉच कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड टेक केयर।